भाई थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ। सुबह हम लोग गए थे मनी एक्सचेंज कराने के लिए, और शुभम भाई के इंस्पिरेशन से हमने थोड़ा देखा उनके वीडियोस। उन्होंने 1000 के नोट एक्सचेंज कराए थे, उन्होंने भाई 14000 रुपये एक्सचेंज करे थे और पूरे 1000-1000 की गड्डी ली थी। तो हमने तो सिर्फ $100 एक्सचेंज कराया, पाजी ने $100 दिए थे, और बड़ी मुश्किल से भाई 1000-1000 के नोट की हमको 10 गड्डी मिल गई थी। और अभी वही स्पेंड करने के लिए आए हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट में। सबसे पहले इन्होंने हॉस्टल में पेमेंट किया 20,000 का, और अभी पहुँच गए हैं ये रेस्टोरेंट में। दे भाजी कुछ भी हो, खाना कितना ही महंगा दे, हमको खिला के पछताएंगे। भाई ये वही रेस्टोरेंट है जिसके अंदर हम लोग आए हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। यहाँ पर अंदर कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, और काफ़ी अंधेरा है अंदर, लेकिन एक तरीके से भूल भुलैया जैसा है, और काफ़ी सही डेकोर है यहाँ पर। मेरे ख्याल से अंदर भी बैठने की जगह होगी। आप देख लो भाई, अंदर भी लाइट वाइट लगा रखी है इन्होंने, और ये पूरा वही हेरिटेज बिल्डिंग है, इस वजह से अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर हो सकता है पहले के ज़माने में कुछ होता हो, किसी के रूम वगैरह हो। ये तो पूरा का पूरा भाई एक तरीके से भूल भुलैया है। अब देख लो भाई, हो सकता है यहाँ पर कुछ कमरा हो या कुछ हो पहले, लेकिन अभी तो इन्होंने इस तरह से डेकोरेशन करके रखा है, और बिल्कुल मिनिमम लाइट लगा रखी है। काफ़ी प्यारा आर्किटेक्चर है यहाँ पर, जैसा कि सब जगह पर है। और अभी तो भाई काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन कर रखा है, और ओह ये तो बिल्कुल किसी मकबरे की तरह लग रहा है अंदर। यहाँ पर जितने भी मकबरों में गया हूँ वो कुछ इस तरह से ही थे। तो भाई ये सीन है यहाँ पर। अभी और भी जगह मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये वाली प्लेस सबसे इंटरेस्टिंग है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ का, ये वाली जगह, और ये आप सोच सकते हो एक रेस्टोरेंट के अंदर है ये। तो अभी मैं इस साइड जाता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ भी लगा रखे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। और ये होगा पुराने समय का संदूक, अंधेरा बहुत है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। और यार आर्किटेक्चर ज़ोरदार है, और ये मेरे ख्याल से किसी का बहुत ही प्यारा कार्विंग करके बनाया हुआ है कॉपर पर। और शैंडेलियर्स तो खैर यहाँ पर है ही सारे, बहुत सारे अच्छे अच्छे और एक तरीके से काफ़ी वियर्ड भी है कि भाई इस रेस्टोरेंट के अंदर इनके पास इतनी सारी जगह है जो ये लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से बना रखी है इन्होंने। देखो भाई यहाँ पर एंशिएंट टाइम्स की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं अलग अलग, हो सकता है जब बुखारा सिटी डिस्कवर हुई हो या ये सब टूट गया हो उस समय की ये सब फ़ोटोज़ होंगी। और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है यार, अलग अलग लोगों की फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर, अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, ये सब पुराने मटेरियल है। और फ़ोटोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। इस समय बुखारा काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, लेकिन इन्होंने काफ़ी प्रिजर्व करके रखा है। अभी देखो आई थिंक ये मीनार टूट गई होगी, लेकिन उन्होंने फिर से रिस्टोर करी है। और वैसे ये अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग लोगों के फ़ोटो हैं, पता नहीं किन लोगों की फ़ोटो है ये, लेकिन काफ़ी सही है। फिर से यहाँ पर एक शैंडेलियर, यहाँ पर एक कारपेट,
ये लगता है मुझे लोगों के बैठ के खाने की जगह होगी, ऐसा कुछ होगा। और आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा है भाई, बिल्कुल फ़ोटो लेने की जैसा है। यहाँ पर प्यारे प्यारे फ़ोटोशूट हो सकते हैं। और इस समय में कोई लाइट वाइट नहीं लगा रखी है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा होगा। लेकिन आप सोच सकते हो भाई, इतनी बड़ी जगह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खाली रखी हुई है। काफ़ी वियर्ड है भाई ये, देखो यहाँ पर इतना बड़ा रूम है। हो सकता है यहाँ पर भी बैठ के खाने की व्यवस्था होगी, या फिर ये लोग सोते होंगे, पता नहीं यार। लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, और कारपेट वगैरह लगा रखे हैं, उस हिसाब से डेकोरेशन काफ़ी कर रखा है। और बिल्कुल ही भूल भुलैया है भाई, आप इधर आओगे तो खो जाओगे। पता नहीं कहाँ पर जाऊँ मैं, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो उस साइड में बिल्कुल पूरा अंधेरा था, और यहाँ पर लिखा हुआ एग्ज़िट। तो अगर ये एग्ज़िट लिखा ना होता तो शायद आप खो भी जाए। लेकिन तो ये देखो भाई, बाहर उस तरफ में रेस्टोरेंट, और उसके जस्ट पीछे इतने प्यारे जगह है। अरे नहीं, गिन लेंगे अभी अभी, गिन गिन लेंगे हज़ार का बिल आया भाई, 80-250। अब करेंगे हम इनमें 1000-1000। तो भाई खाना तो ठीक ठाक ही था, लेकिन बिल काफ़ी तगड़ा दे दिया इन्होंने, 86,000 का बिल दिया है, मतलब करीब 600 रुपये हो गया। और खाना का कुछ खास था नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोटो, लेकिन बिल काफ़ी तगड़ा दे दिया भाई। तो ये देखो भाई, 25,000 की तीन चीज़ें ली थी हमने, और 11,000 उसके ऊपर टैक्स लगा दिया इन्होंने। और इतना सा ग्लास देके गया है पैसे देने के लिए। ले लिए भाई पैसे, हाँ इतने अच्छे से गिन के दे रहे हैं। 25,000, 25,000 पर प्लेट, और 86,000 का खाना खाने के बाद पेट में भरा है। तो अभी जा रहे बनाना शेक पीने के लिए, शायद उससे थोड़ा पेट भर जाएगा भाई। तो लगता है नोट गिन लिया भाई ने, बड़ा इम्पोर्टेंट भाई। अंदर फोटो खिंचवाएं तो भाई, काफ़ी दिन से ये लोग हैं इधर, 2-3 दिन से, लेकिन अभी पहली बार यहाँ पर आए लाइट लाइट वाले मीनार को देखने के लिए। और हाँ नियर नियर, तो यहाँ पर भाई इस तरह से साइकिल रिक्शा चलती है, बार बार पूछने के लिए आ जाते हैं। और बस ये मीनार देखने के लिए आए थे, यहाँ पर हमने फ़ोटो वोटो ली साथ में, और अब जा रहे हैं वापस होटल। इंडिया इंडिया मुंबई दिल्ली। तो गाइस अभी रात के 11 बज रही है, और जनरली मैं इस टाइम पे वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन अभी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देना था आपको। वो यह है कि अभी भाई, तो अभी हम लोग मीनार देखने गए थे रात को शायद 8-9 बजे, और फिर मैंने इनसे पूछा कि आपका क्या प्लान है कल का। सो बोले कि यार हम तो निकल रहे हैं, और हम जा रहे हैं बुखारा, बुखारा से खीवा। सो मैंने उनसे पूछ के देखा, नवंकुर भाई से और नवदीप भाई से, कि क्या मैं चल सकता हूँ आपके साथ। और क्योंकि मेरा भी कोई प्लान नहीं था, मैं सोच रहा था कि कल या परसों रुक के और फिर ताशकंद चले जाऊँ, लेकिन खीवा भी मुझे विज़िट करना था। लेकिन वही है भाई, यहाँ पर सुबह 5 बजे की ट्रेन है, और उस वजह से मैं जाने में थोड़ा सा कतरा रहा था कि यार अकेले कैसे जाऊँगा उस टाइम पर, और फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। और उस वजह से थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार रात को ट्रेन मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, जो भी सीन होगा। तो मैं थोड़ा सा कतरा रहा था, लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे साथ आ सकते हो। सो भाई पहली बार अभी मैं ट्रैवल करूँगा इन लोगों के साथ में, क्योंकि हम लोग सिटी में तो घूम ही रहते हैं, यहाँ पर सेम हॉस्टल में रुके थे, आपने जैसा देखा ही होगा। और फॉर्चुनेटली इन्होंने हाँ बोल दिया है, और अब हम जाने वाले हैं खीवा।
सो मेरे ख्याल से एक घंटे बाद हम निकलेंगे, 11:30 बजे तक, 11:30 बजे तक। और सब सामान वामान पैक कर लिया मैंने, रेडी हो गया हूँ मैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रात के लिए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, और इनसे मैंने पूछ के देखा कि क्या मुझे हाफ अमाउंट वापस मिल सकता है, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ आज यहाँ से, आज स्टे नहीं कर रहा हूँ। तो बोले कि नहीं नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत लेट बता रहे हो, इस वजह से आपको वापस नहीं दे सकते। तो कोई बात नहीं यार, काफ़ी बढ़िया स्टे था यहाँ पर, और बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर से मिला, उनसे मैं पहले मिल चुका था, लेकिन कोइंसिडेंटली हम लोग सेम ही हॉस्टल में रहने आ गए। फिर कोइंसिडेंटली नवांकुर भाई और नवदीप भाई सेम हॉस्टल में रहने आ गए, और यहाँ पर मैं मिला एक अफ़गानिस्तान के बंदे से, वो भी काफ़ी बढ़िया रहा, और काफ़ी दोस्त बन गए भाई इधर। और जो हॉस्टल वाले हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बढ़िया ब्रेकफास्ट था, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी थी यहाँ पर, बिल्कुल कंफर्टेबल बेड थे। ये वाला बेड था मेरा, और तीन लोगों का रूम था, लेकिन पूरा का पूरा रूम मेरे लिए प्राइवेट था। सो काफ़ी सही एक्सपीरियंस था भाई यहाँ पर, सो नो कंप्लेंट्स, दिस हॉस्टल वॉज वेरी नाइस। हॉस्टल नहीं वैसे गेस्ट हाउस है, लेकिन बार बार हॉस्टल बोलने की आदत है, इसलिए हॉस्टल ही बोल देता हूँ। सो बस अब थोड़ी देर से निकलेंगे हम लोग, और नवांकुर भाई भाई काफ़ी सही है, उन्होंने मुझे अभी वीडियो कॉल किया था, कॉल करके बताया कि आप वो टिकट ऑनलाइन बुक कर लो, क्योंकि पहले जब हम लोग मीनार की तरफ गए थे तब हमने चेक किया था, तब वहाँ पे करीब 200-250 सीट्स अवेलेबल थी, लेकिन अभी थोड़ी देर में, मतलब सिर्फ एक घंटे बाद में, सिर्फ 3 ही सीट बची हुई थी। उन्होंने बुक करी तब 3 सीट बची हुई थी, उन्होंने दोनों ने अपनी सीट बुक कर ली। फिर उन्होंने मुझे इन्फॉर्म करके बताया कि भाई आप भी ऑनलाइन बुक कर लो, क्योंकि सिर्फ 1 ही सीट बाकी है। सो फॉर्चुनेटली वो सीट मुझे मिल गई, और लास्ट सीट, पहली बार भाई ट्रेन के अंदर सीट बुक कर रहा हूँ यहाँ पर ऑनलाइन, और लास्ट सीट मैंने बुक करी है। सो तीनों की सीट्स अलग अलग हैं, अलग अलग वेगन्स में हैं, और देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। सुबह 4:15 या 4:30 की ट्रेन है हमारी, और वहाँ से शायद 6 या 7 घंटे लगने वाले पहुँचने में, तो फिर हम लोग पहुँचेंगे मेरे ख्याल से दोपहर तक। तो कल तो कुछ करेंगे नहीं खिवा में, शायद शाम को जाएंगे बाहर। लेकिन काफ़ी सही है भाई, मैं पहली बार सोच रहा हूँ कि पहली बार इनसे मिलना हो रहा है, और इन्होंने हाँ बोल दिया ट्रैवल करने के लिए, तो उस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, इसलिए सोचा कि आप लोगों को बता देता हूँ। और बस मैं तो सब कुछ पैक करके और रेडी होकर बैठा हूँ यहाँ पर, ताकि जब भी वो लोग आएँ तो अपन निकल जाएंगे साथ में। तो ये है मेरे बैग्स, और ये थे यहाँ पर बेड्स, ये दोनों बेड मैं यूज़ कर रहा था, यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रख लेता था, और ये तो मेरा था ही सही, यहाँ पर मैं सोता था। और पानी की बॉटल वही है, यहाँ पर पानी भरने की व्यवस्था है, तो बार बार पानी खरीदना नहीं पड़ता। थोड़ा सा ठंडा पानी नहीं मिलता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं ठंडा पानी पीता भी नहीं हूँ, और पहले भी बता चुका हूँ ये रूम, लेकिन मैं सोचा एक बार और बता देता हूँ। सो यहाँ पर इस तरह से कपड़े वगैरह लटकाने का है, टीवी है, और साथ साथ वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम है लेकिन अच्छा है। और हाँ, यहाँ पर ये लोग टॉवल्स प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर जनरली मैं देख रहा हूँ गेस्ट हाउस के अंदर टॉवल प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, सो उस चीज़ की तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक और टॉवल दिया था इन्होंने, छोटा वाला, ये मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, सो यहीं पर रखा हुआ है। तो बस भाई, मिलते हैं आपसे रेलवे स्टेशन में या टैक्सी में, जो भी होता है आपको बताता हूँ। और काफ़ी खुशी हो रही है भाई, इन लोगों के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ये मौका मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, और उनको मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई मुझे। सो थैंक यू सो मच नवांकुर भाई, थैंक यू सो मच नवदीप भाई, और वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भाइयों जैसा माहौल हो गया, दोस्ती वाला माहौल हो गया, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम मिले हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस, और आप लोगों के बिना ये बिल्कुल नहीं हो पाता भाई, सब्सक्राइबर्स के बिना मैं ना यहाँ पर आ पाता, ना ये कंट्रीज विज़िट कर पाता, ना इन लोगों से मिल पाता, और आप लोगों की वजह से, आपकी ब्लेसिंग की वजह से मैं इतना लकी फील कर रहा हूँ कि ये गेस्ट हाउस मेरे लिए काफ़ी लकी था कि मैं इनसे भी मिला, नवांकुर भाई से मिला, इनके साथ स्टे किया, इनके साथ ट्रैवल किया, और अब इनके साथ फाइनली दूसरी सिटी में जा रहा हूँ उनके साथ ट्रैवल करके। सो काफ़ी खुशी हो रही है भाई, सो थैंक यू सो मच टू ऑल द सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जहाँ से भी है, तो भाई प्लीज़ कॉमेंट करके बताओ कि आप कहाँ कहाँ से हो, ताकि मुझे और भी आप लोगों को जानने का मौका मिले, क्योंकि पता नहीं है वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं शायद उस समय तक, अभी हमारे सब्सक्राइबर है 1700, सो आई होप उस समय तक 5000 के करीब सब्सक्राइबर होना चाहिए, और अगर 5000 होते हैं तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा
और फिर से आप लोगों को थैंक यू करूँगा भाई।